अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके साथ दुपट्टे के ऊपर जो चैडी लेस है किस तरह से लगाते हैं वो शेयर करूंगी। ये जो मैं दुपट्टे की लेस लगाऊंगी, इस तरह से आपने पहले पूरी यूट्यूब पे आपने नहीं देखी होगी किस तरह से ये लेस लगेगी। ये देखिए मेरे पास ये चैडी लेस है। ये गुम सिलाई के साथ बिल्कुल भी नहीं लग सकती क्योंकि इसके ऊपर वाली जो साइड है वो है नोक वाली, इस पर भी डिज़ाइनिंग है। दुपट्टे को सबसे पहले मैंने इस तरह से जितना मुझे फोल्डिंग करना करना था मुझे इस तरह से मैं आराम से फोल्ड कर लूँगी अपने दुपट्टे को। दुपट्टे की जो साइड्स पल्लू हैं उनको जो इसका वाइट है वो अंदर कर देंगे हम सारा। मैंने ज़्यादा बारीक इसकी फोल्डिंग नहीं की, ना ही ज़्यादा मैंने इसकी ज़्यादा ज़्यादा फोल्डिंग किया। हमें बस इतनी ही फोल्डिंग चाहिए जिसके ऊपर हमारी लैस टिक जाए, ठीक है, जाए। तो ये देखिए हमारी फोल्डिंग हो गई है, हमारी दोनों तरफ से बहुत ही फिनिशिंग आई है। देखिए नीचे से भी हमारी जो वाइट फैब्रिक था वो अंदर की तरफ मैंने फोल्ड कर दिया है। इस तरह से हम दुपट्टा रख लेंगे। दुपट्टा रखने के बाद ये लैस है हमारी, ये देखें इसको इस तरह से हमने लैस को सीधा तरफ हमने ऊपर वाली साइड रखना है और उल्टी साइड हमने दुपट्टे की तरफ रखना है। साइड से जहाँ से हमारी इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है जहाँ से मैंने स्टार्ट करना है, इसको दुपट्टे के ऊपर इस तरह से हम रखेंगे। ये देखें यहाँ से हम जो स्टिचिंग है उसको डबल कर लेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो छूटे नहीं। ये देखें मैंने इसको डबल कर लिया है। जो ऊपर से इसका ये देखेंगे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है ये पूरा हम दुपट्टे के ऊपर रखेंगे ताकि हमारी ये जो लेस उसके अंदर झोल ली आए। मैंने इसके ऊपर इस तरह से ऊपर वाली साइड पर जो हमारी ये नोक बने हुए हैं उनके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हम ये देखें इस तरह से सिलाई लगा लेंगे सारी लेस के ऊपर। हमने लेस लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना है हमारी ऊपर वाला जो डिज़ाइनिंग है जिसमें लाइनिंग है उसको हम सारी को दुपट्टे के ऊपर रखेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं सारी दुपट्टे की जो पल्लू साइड्स वाले हैं उनके ऊपर लेस लगा लूँगी सारी दोनों तरफ दोनों पल्लुओं के ऊपर। ये देखें ये मेरी सारी इस तरह से ऊपर वाली नोक के ऊपर मेरी सिलाई लग चुकी है। ये देखें ये हमारी जो लेस जो हमारी एंड वाले लेस उसको भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने स्टार्ट में किया था। एंड में फोल्ड कर लेंगे हम ताकि हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो इसकी निकले नहीं। जो लेस है हमारे पास उसको भी हम इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब ये देखिए हमारी सिंगल सिलाई हुई है और इस तरह से ये हमारी थोड़ी से ऊपर को उठ रही है। हम ये जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर भी स्टिचिंग करेंगे ताकि हमारी अच्छी तरह से ये जो है लेस है इस ये बैठ जाए, ठीक है। ये देखें इस तरह से हम इसके ऊपर भी जो दूसरी लाइन है उसकी सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से मैंने रख लिया है और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से हम साड़ी को जो हमारी है लैस उसको इस तरह से हम दूसरी लाइन के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारी जो दुपट्टा है उसकी लैस ऊपर को उठी नहीं रहेगी, बैठ जाएगी सही तरीके से। हम ये सारे दुपट्टे के ऊपर दोनों तरफ इस तरह से लैस लगा लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये लैस लग रही थी इसके ऊपर लगी हुई, बहुत ही प्यारी और नीटनेस से लगी हुई थी। मैंने जिस तरह से आपको लैस लगाना बताया इस तरह से हर कोई लैस लगा सकता है, बहुत ही आसान मेथड है। आजकल इतने मेथड आ गए हैं लैस लगाने के जल्दी जल्दी समझ में ही नहीं आते कि लैस को लगाना कैसे है, उल्टा लगाना सीधा लगाना क्या करना। ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप लैस लगा सकते हो। पहले मैंने दुपट्टे को फोल्ड कर लिया था, बाद में मैंने लेस को उसके ऊपर रख के स्टिच कर दिया है क्योंकि ये जो लेस है ये गुम सिलाई के साथ लगने वाली तो थी नहीं। अच्छा जो हमारे दुपट्टे की फोल्डिंग होती है वो पहले कर लो या बाद कर लो एक ही तरीका होता है। ये देखिए हमारी लेस लग चुकी है, बहुत ही खूबसूरत हमारी लेस लगी हुई है लग रही थी। अब नीचे से देख सकते हो बिल्कुल भी उठी हुई नहीं है और नीटनेस भी है दुपट्टे के अंदर। बहुत ही खूबसूरत मेरा ये दुपट्टे के ऊपर लेस लग चुकी थी। आई होप आपको ये जो मेरा मेथड है लेस लगाने का पसंद आया होगा। बहुत ही आसान मेथड था। लाइक करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे।